हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। गाइस सुबह के बज गए हैं 8 बजे और छोटा मोटा घर का काम किया है और अभी ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। सबसे पहले हम बजाएंगे अपनी किचन की बेल। अभी मैं खाना खाने आ रही हूँ तो खाना खाएंगे। तो गाइस अभी मैं सोच रही हूँ क्या खाऊं। एग रखे हैं और ये बच्चे लेके आए थे, क्या कहते हैं इसको, कुलचा ब्रेड। लेकिन सुबह सुबह कुलचा ब्रेड नहीं जमता, हल्का ही खाएंगे। तो मैं निकालती हूँ ये वाला हमारे कैलोक्स, इसमें ये आलमंड वाले हैं। ये देखिए आलमंड वाले हैं, बच्चे लेके आए थे लेकिन उनको पसंद नहीं आया। महंगी महंगी चीज़ लेते हैं, इसमें भी देखो कितनी मिलावट कर देते हैं। तो बोले मम्मी आप ही खाओ इसको, हम तो नहीं खाएंगे। फिर वो लेके आए हैं अपना प्लेन और साथ में इन्होंने फिर ये लेके आए अपने लिए ये वाला। इसमें इन्होंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ये प्लेन मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। तो भैया वो मुझे ही खाना पड़ेगा, पैसा लगा तो भाई फेंक तो खाएंगे, चकड़वा लगे जो कुछ भी लगे खाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा ले लेती हूँ और थोड़ा सा बच्चों वाले डब्बे में से एक ले लेती और साथ में ज़्यादा नहीं लूँगी, ज़्यादा इच्छा नहीं है अभी नाश्ता करने की। भाई नाश्ता करना ज़रूरी है, आप लोग भी कीजिए, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही घर के बाकी सारे काम करने चाहिए। भाई ताकत आएगी जब, तो अच्छे से काम होगा। और कई लोग होते हैं भैया भूखे ही लग जाते हैं, चाय पी ली हो गया और पूरा दिन कपड़े धोना सफाई करना बहुत से काम करते ही रहते हैं। लेकिन नहीं, पहले खाइए उसके बाद फिर घर के काम करिए भैया। जब तक गाड़ी में पेट्रोल ढंग से नहीं डलेगा तो स्पीड में कैसे काम करेगी, तो इसलिए बीमार नहीं होना है तो अच्छे से खाइए। तो चलिए कोई नहीं, ज्ञान बाद में देते हैं। और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी बनाना, बनाना भी ज़रूरी है, हेल्दी रहता है बॉडी को, तरोताज़ा रखता है और एनर्जी। इसमें ऐड ऑन करूँगी गाइस, मैंने ले लिया एक बनाना, ये देखिए इसको ऐसे छीलना है पूरा, छील लीजिए, एक नाइफ लीजिए और ऐसे कट करके डाल दीजिए। उसके बाद ऐड करिए मिल्क ऐड करिए। मैं कच्चा दूध लेती हूँ, मुझे बॉयल दूध में ना टेस्ट नहीं आता है, तो मैं कच्चा दूध ऐड करूँगी। आप लोग बॉयल भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया आपका सुपर फूड फुल एनर्जी के साथ, हल्का का हल्का, ताकि काम करते टाइम सुस्ती बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप इसको भी खाइए और सेहत बनाइए और अपने घर के काम में लग जाइए। दूध रख देते हैं फ्रिज में वापस। और उसके बाद लूँगी मैं एक स्पून, हमने स्पून ले लिया है और खाने की तैयारी है। तो गाइस ये लीजिए, बड़ी मेहनत से बनाया है, हाँ मैंने शुगर ऐड नहीं करी है, मीठा मुझे कम पसंद है भाई। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार मीठा डाल सकते हैं, मीठा मैं कम पसंद करती हूँ, बचपन से ही मेरे को मीठा पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट पे फोकस करते हैं, आप लोग भी अपना नाश्ता बनाइए और खाइए और अपने काम पे लगिए। और मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और मेरे ब्लॉग को
लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। चलिए तो अब हम अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और अपने खाने में फोकस करते हैं, अपने ब्रेकफास्ट पे। आप लोग भी नाश्ता करिए और मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। और तब तक के लिए नमस्कार।